चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, माँ देवी दुर्गा हो, कप्परवाली हो, चाणक्य हो, जिनके नाम पर ये कौटिल्य आपका इंस्टीट्यूट है, ये एक व्यक्ति के रूप में जन्म इन्होंने लिया, लेकिन अपने कृतित्व से एक व्यक्तित्व बने और फिर अपने उस परम और घोर कृतित्व से ये आज के तौर में एक विचार बन के सदैव के लिए वर्तमान हो गए। तो ये ऐसी चेतनाएँ सिर्फ आने के लिए होती हैं, ये संसार में सिर्फ आती हैं, संसार से जाती नहीं है। तो राम, कृष्ण, चंद्रगुप्त, खप्पर वाली काली, रानी पद्मिनी, चाणक्य, ये महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे के सारे व्यक्तित्व जो हैं, ये विचार के रूप में हमारे और आपके अंदर कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में डले हुए हैं। तो मैं आशुतोष उन सुप्त आत्माओं को अपनी इस कविता के माध्यम से आहूत कर रहा हूं कि वो जागृत हों। तो हो सकता है कि इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए इतने सारे राम, इतने सारे कृष्ण, इतने सारी कालियां, इतनी सारी पद्मिनी, इतने सारे महाराणा प्रताप, शिवाजी, महात्मा गांधी जैसे लोग पुनर्जागृत होकर इस संसार को, इस भूमि को वापस स्वर्ग में तब्दील कर दें। तो हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और राज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्र दंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकड़ पहने हैं वह राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। और अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरमंडा, और रक्त बीच का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडो की माला वाला जगे कपाली कैलासी, और रण की चंडी गर गर नाचे। मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और दुष्ट शेष ना एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष परुष महान जगे, सेल्यू कस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे, जिसने झुकना कभी न जाना, और जगे पद्मनी का जौहर जागे केसरिया बाना। देशभक्त का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे, वह हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, कौन के दक्षिण वाला जगे शिवाजी। खून शाह जी का ताजा, मरने की हट्ठा ना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपान जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। और कनवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे, और जिसकी छोटी सी लकड़ी से संगीने भी हार गई। गांधी जी कि जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीने भी हार गई, हिटलर को जीतावे फौजें 7 समुंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लकुटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, कौन? सुभाष बाबू। कि आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया और स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया, उस सुभाष की आन जगे और उस सुभाष की शान जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। तो झोली लेकर मांग रहा हूं, कोई शीश दान दे दो, और भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण दान दे दो। खड़ी शत्रु की दुल्हन कुंवारी, कोई ब्याह रचा लो, और कोई मर्द अपने नाम की चूड़ी तो पहना लो। कौन वीर निज हृदय रक्त से इसकी मांग भरेगा, और कौन कफन का पलंग बिछाकर इस पर शयन करेगा। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बरता, वह अशुद्धता, हमने उसको शुद्ध किया, चीन।
वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया और हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया और आज बना फिर कफन चीज पर जिसको आना है आ जाओ, चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ, और जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बना, ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है और कोहिनूर की कीमत जूते 5000 अमर है, रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा, सनसन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, और फिर चाहे पैकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूं, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। ऊर्जा का संचार व रक्त प्रवाह 10 गुना अधिक है प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में। सादर धन्यवाद। अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन कर लीजिए प्लीज, एज पर कोटिल रूल अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन करके आशुतोष जी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करें एक बार। मेरे सभी छात्र, तो ये दृश्य उनकी आंखों में हमेशा कैद होकर रहेगा। ये कौटिल्य, आदरणीय जोशी सर, आदरणीय मिश्रा सर, मनमोहन सर, तिवारी सर, देवेंद्र मिश्रा सर, आप सभी के प्रति सम्मान। सर ये दृश्य, मैं समझता हूं ये दृश्य सर आपकी आंखों में हमेशा रहेगा, इंदौर के बच्चों का ये प्यार। जरूर आपको तस्वीर भेजेंगे, बिल्कुल आज ही भेजेंगे।